हाय हेलो नमस्कार। करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कयास लगाया जाता है और कयासें भी ऐसा जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को कितने मंथ्स तक का कवर करना चाहिए, यानी अगर आज एग्जामिनेशन है तो हमको कितने मंथ्स की करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए, वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, दैट्स अ सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना चाहिए या किस हिसाब से करना चाहिए। तो ऐसे तमाम कयासों पे, जो कहते हैं ना कि हिंदी में पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाने वाला ये वीडियो है और सीधा कट टू कट की बातें हम आज करेंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और आपको मैं सोर्सेस भी बताऊँगा, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितने मंथ्स तक का कवर करना चाहिए, एक लॉजिकल वे से आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा। और फ़ायदा मुझे हुआ है और आप लोगों में भी दिखेगा वो फ़ायदा, इसलिए आप लोगों को मेरी बातें को है जो है थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। दोस्तों, बाय द वे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ये क्वेश्चंस जो है, आपकी जो क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि सभी का रिप्लाई करूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SFY_आशीष। दूसरा है कि आप हमारे टेलीग्राम पे भी एनरोल हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्यों आपको बाद में पता चल जाएगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपने IBPS RRB कैंप में अगर आपने आपको शुमार नहीं किया है तो आइए, एक संघर्ष की लड़ाई जो होता है ना दोस्तों, वो लड़ रहे हैं हम लोग ताकि हम अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाएँ। IBPS RRB कैंप महज 150 रुपये का कैंप है, मैथमेटिक्स का कैंप है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आपको ये बंद कर दो इसी में आ जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़त्म करो और ये फॉलो करो, नहीं। आप लोग मैच्योर्ड हैं, आप लोगों में बुद्धि शुद्धि जो भी है वो सब कुछ है, आप लोग खुद ही डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए। आज मैं एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, वो पूछ रहे थे कि भैया मैं करंट अफेयर्स के सेशंस को कहाँ से देखूं, और मैंने पूछा सेशंस की बात कर रही हूँ, अच्छा कौन से सेशन की बात कर रहे हो। तो उन्होंने 3-4 नाम बताया, उसमें से 2 नाम को मैं जानता था क्योंकि मैं भी कभी एक दरमियान मैंने पढ़ाई की थी, रेस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क इसी में है दोस्तों कि जो चीज़ आप 1 घंटे के लाइव सेशन में देख सकते हो, वही सेम चीज़ आप 15 मिनट के नोट्स में उसको ख़त्म कर सकते हो। ये सेम चीज़ आज मैंने हेलो संडे प्रोग्राम में बताया है। 1 घंटे के लाइव सेशन जो आप देख रहे हो, वो 15 मिनट्स के नोट्स पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हो। तो जो बचा 45 मिनट, उसको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना समय का बचत करके एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हो। अब सवाल आ रहा है कि सर 15 मिनट्स का नोट्स कहाँ से पढ़े। नोट्स आपको ऐसा नहीं है कि, जो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि हमको नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। लोग जो हैं वो कभी कभी लगता है लोगों को कि यार हम नोट्स बना लें। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ होता है जो हर दिन चेंज होता है, तो आप 365 पन्नों का नोट्स बनाने के लिए रेडी हो तो आप रेडी हो जाओ। और इतना अगर आप बनाने में लग गए तो आप कहीं ना कहीं अपना जो समय जो है वो बनाने में आपका चला जाएगा। तो ये भी आप जो है समय की बचत कर सकते हो। और किस तरीके से, टेलीग्राम पे आके आप हमें फॉलो कर सकते हो, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब नाम से सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। 16,000 लोग वहाँ पे हमारे ऊपर जो है विश्वास दिला रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि करंट अफेयर्स का नोट्स के फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब आजकल के डेट में करंट अफेयर्स जो है नोट्स के फॉर्म में रेडीमेड अवेलेबल है, तो घर में बैठ के सिलाई करने की क्या ज़रूरत है। जब नोट्स हम आपको प्रोवाइड ही करवा रहे हैं तो आप नोट्स से पढ़िए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप नोट्स को ख़त्म कर लेते हैं उसी पे बेस्ड एक क्विज़ आता है, और क्विज़ कहाँ से होता है, वही नोट्स से ही होता है जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें फ़ायदा होता है। एक तो होता है कि आप करंट अफेयर्स को आपने पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, जो भी कर लिया। तीसरा चीज़ ये होता है कि आप जब नोट्स पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश का कमांड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप
आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो और तगड़ा बन जाता है, आप जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। और ये जो स्किल होता है दोस्तों, एक रात में नहीं होता है, टाइम लगता है। और ये टाइम जो है, आप देखो होता है ना कि एक तीर में दो शिकार, आपने करंट अफेयर्स को नोट से पढ़ा और आपने अपना जो रीडिंग स्किल है उसको भी बढ़ा लिया, तो आप इस हिसाब से जा सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ जो है, जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि करेंट अफेयर्स को कितने मंथ तक का कवर कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा है कि यार आज सितंबर है, आज एग्जामिनेशन हो जाती है, तो हमको कितने मंथ तक का कवर कर लेना चाहिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। बिकॉज आज भी मुझे याद है जब सितंबर 30, 2018 में मैंने RRB PO का एग्जामिनेशन लिखा था, सितंबर का वो एग्ज़ाम था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2017 का भी क्वेश्चन आया था। जो लोग 2018 में दिए होंगे मेंस एग्जामिनेशन RRB PO का, उनको याद होगा जनवरी के भी क्वेश्चंस थे। तो अगर ये लॉजिक बनता है कि पिछले 6 महीने का पढ़ लो, तो फिर आपको तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो तो फिर मार्च तक ही पूछना चाहिए था। तो ऐसा होता नहीं है, तो आपको हमेशा डेली अपडेट रहना पड़ता है और सिचुएशन जो है उस पे आपको मतलब जो है फैसला लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया अभी से ही, मार्च के पहले से ही आपने पढ़ाई जो है वो आपने स्टार्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन अभी क्या डिमांड कर रही है, ये डिमांड कर रही है कि जो सर्कमस्टेंसेस है अभी, अब आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करना है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे फोकस करना है तो मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो? स्टूडेंट फरमाइश का लगा सकते हो, जो कि सिर्फ केवल 299 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, मेंस के भी मिल जाएंगे, प्रिलिम्स के भी मिल जाएंगे, तमाम ऐसे जितने भी एग्जामिनेशन से, इवन कोऑपरेटिव बैंक के भी एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक और चीज़ साथों साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देने पे फोकस कर रहे हैं, तो ये भी फोकस करिएगा कि आप डेली जो है हमारे करंट अफेयर्स को नोट्स को आप बिल्कुल पढ़िए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स एक सोर्स पर रिलाई ना करें, एक सोर्स पे रिलाई इन द सेंस सिर्फ स्टूडेंट फरमाइश ही आपको 100% देगा, ये गारंटी के साथ मैं नहीं बता सकता। क्योंकि करंट अफेयर्स मान लो आप हमसे पढ़े हैं तो 70% चांस जो है वो आपको दिख जाएगा। कोई बंदा अगर आपको छाती ठोक के बोलता है कि हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लो 100% क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये गलत चीज़ है। हमेशा करंट अफेयर्स जो है 2-3 सोर्सेस पे आप रिलाई करिए, हमारा बिल्कुल पढ़िए आप, और एक जो सोर्स है आप जो भी जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, दोनों का कम्बिनेशन आपको 90% ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको दिख जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने आप सभी का सवाल का जो जवाब है उसको दे दिया है। और ये सवाल काफ़ी दिन से लोग जो है वो मुझसे सवालात कर रहे थे, और अगर आप भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID SFY_आशीष पे हमको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप RRB कैंप में अगर आपने एनरोल नहीं हुआ है तो RRB कैंप में एनरोल हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब आखिर, लबुल मुर्शिद के ध्यान दीजिएगा, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।